6 बज गया है और इसका मतलब यह है कि अगले जो 48 घंटे होंगे वहां पे जो नेता है तेलंगाना के चुनाव में लड़ने वाले हैं वो अभी प्रचार बंद करना होगा। अभी जो 6 बज गया है, शाम को 6 बजे आज के बाद चुनाव का प्रचार बिल्कुल बंद हो चुका है क्योंकि इस समय के बाद एमसीसी लागू हो जाएगा। तेलंगाना का चुनाव है बहुत प्रमुख और मुख्यत्व होगा इसलिए क्योंकि आगे जाके इस तेलंगाना में कौन जीत के सत्ता में आने वाले हैं ये तय होने की बहुत आश है लोगों के लिए। एक तरफ है भारत राष्ट्र समिति बीआरएस जो है रूलिंग पार्टी और क्या केसीआर तीसरी तरफ भी मुख्यमंत्री कहलाएगा ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है। और दूसरी तरफ है दोनों नेशनल पार्टियां भारतीय जनता पार्टी भाजपा और कांग्रेस, क्या इन दोनों में से किसी एक का जीत होगा आगे जाके देखना पड़ेगा। पर अभी जो इन 48 घंटे हैं इसके बाद 30 तारीख को नवंबर को जनता वोट करेगी और दिसंबर 3 तारीख को काउंटिंग ऑफ वोट्स होगा। 119 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है तेलंगाना में और तकरीबन हर कम्युनिटी के जो लोग हैं तेलंगाना में वो नवंबर 30 तारीख को वोट करेंगे। इस चुनाव में, इस लड़ाई में अगर हम देख सकते हैं, तकरीबन इसको लड़ाई ही बोल सकते हैं क्योंकि बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस इन तीनों के बीच में बिल्कुल बरकरार टक्कर है। आज जाके कई सारे नेता है उनके की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनाव प्रचार किया है। तेलंगाना का जो मुख्यमंत्री है और बीआरएस के चीफ के चंद्रशेखर राव, उन्होंने गजवेल से प्रचार किया है जो कि उनके की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से वो कंटेस्ट कर रहे हैं। केटीआर जो केसीआर के बेटे हैं और सिरिसिला के सीनियर लीडर, वो सिरिसिला से कंटेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने सिरिसिला से भी बात की है। दूसरी तरफ है कांग्रेस जो बड़े बड़े नेता है जो कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, वो दोनों भी यहाँ सिकंदराबाद हैदराबाद में आके उन्होंने बाइक रैली किया था और रोड शो भी किए थे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के लिए यहाँ पे आरटीसी एक्स रोड से तकरीबन 24 किलोमीटर तक एक रोड शो भी किए थे। भाजपा हो या कांग्रेस हो या भारत राष्ट्र समिति, इन तीनों में से कौन चुनाव लड़ने वाला है और कौन चुनाव जीतने वाला है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। आगे दिसंबर 3 तारीख को ये तय होगी कि क्या केसीआर तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर कांग्रेस या भाजपा, इन दोनों नेशनल पार्टियों में से अगर कोई एक बाजी जीत लेगा। वीडियो जर्नलिस्ट चंदू के साथ अपूर्वा जयचंद्रन, चुनाव तक।